हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो दुबई का रिक्वायरमेंट है, और दुबई के अंदर में अभी जो है जरी वाले के लिए बहुत ज़्यादा मांग है जरी वाले का, क्योंकि 6 महीने से लेकर के 8 महीने तक अभी वहाँ पे सीज़न रहेगा बकरीद मुहर्रम तक। तो 50 बंदे की ज़रूरत है कोई फैक्ट्री में, ठीक है। और जिनको जरी का काम आता है, हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम, मैं वीडियो भी डाल दूंगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। उसका मुझे बंदा चाहिए दुबई में, ठीक है। दुबई शारजा के अंदर में 50 बंदे की ज़रूरत है, और इसमें जो है कम से कम आपको 2 साल का नॉलेज होना चाहिए। इस जॉब के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 साल का नॉलेज इस काम के लिए होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है सैलरी, आप सैलरी के हिसाब से भी कर सकते हैं या फिर पे स्लेट के हिसाब से भी कर सकते हैं, जो आपके जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से जो है आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप पी स्लेट के हिसाब से करें या सैलरी पे करें, दोनों एक्सेप्टेड है और दोनों तरीके से आप जो है काम कर सकते हैं। मंथली का आपको 35,000 किधर भी नहीं जाएगा खा पी करके, ठीक है। उसके ऊपर कमा सकते हैं, कम से कम 35,000 में बोल रहा हूँ, उसके ऊपर 40,000 45,000 आप 6 महीने तक आराम से जो है कमा सकते हैं, ठीक है। आपका जितना दम है काम करने का, ठीक है, क्योंकि जो उसमें भी बहुत सारे कारीगर ऐसे होते हैं जिसको ज़्यादा काम नहीं करना आता है, और कोई कोई कारीगर बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है कि 2-3 बुरखा एक दिन में जो है काम कर सकता है, और कोई जो है एक पे ही अटका हुआ रहता है। तो मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिसको काम ज़्यादा नहीं आता है और बहुत ज़्यादा सोलो है, वो जो है 30 से 35 हज़ार मंथली का उनका आएगा, और बहुत ज़्यादा अगर फास्ट रहेगा तो 40,000 प्लस सैलरी उसका खा पी करके बचेगा, ठीक है। तो ये जॉब अभी अवेलेबल है, और इसमें जो खर्चा है ओनली 35,000 खर्चा है आपका। वीज़ा मिलेगा आपको, ठीक है ना, 70 दिन का वीज़ा जो आता है दुबई का, वो वीज़ा मिलेगा, और आपको टिकट मिलेगा, उसके बाद होटल बुकिंग, फिर रिटर्न टिकट, ये जो फॉर्मेलिटी होती है जाने के लिए ट्रैवल करने के लिए, वो मैं आपको दूंगा 35,000 में, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वहाँ जाने के बाद जब आपका 70 दिन का वीज़ा ख़त्म हो जाती है तो वापस वीज़ा लगाते हैं, और वो वीज़ा जो है अरबाब लगा करके देगा। उसमें जो भी खर्चा रहेगा 10,000 15,000, उसका आधा आपको देना है, आधा जो है आपको मालिक भर के देगा, ठीक है। 3 टाइम वीज़ा लगता है, ठीक है ना, एक विजिट में आप जाएंगे, दूसरा विजिट वो लगेगा, फिर तीसरा विजिट ख़त्म करके आप जो है आप वापस मुंबई या इंडिया आ सकते हैं, या फिर आपको अगर उधर जॉब चाहिए रहेगा तो उधर भी हम लोग जॉब दिलाते हैं, आपको जॉब मिल जाएगा। जरी का काम अगर नहीं है तो कोई दूसरा काम भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें 35,000 रुपये खर्चा है। इसमें जो 35,000 रुपये खर्चा है, ठीक है ना, तो और अगर आप 2 साल के लिए लॉन्ग जॉब के लिए जाएंगे तो ये जॉब भी अवेलेबल है, और मंथली का आपको जो है 30,000 रुपये मिलेगा, और रूम और फूड मिलेगा, ठीक है। 10 घंटे की ड्यूटी मिलेगी 2 साल के लिए अगर आप जाएंगे, 70,000 रुपये उसमें खर्चा होएगा, वो भी विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का काम है जरी का, ठीक है। और इसमें जो है सैलरी बेस पे अगर करना चाहे तो सैलरी बेस पे आपको जो है 1600 दिरहम सैलरी मिलेगा, और अगर पी सेट पे करना चाहते हैं तो पी सेट पे भी कर सकते हैं, 2 साल का जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप जाते हैं तो दोनों ही काम अवेलेबल है। उसमें 2 साल वाले में जाएंगे तो आपको 70,000 रुपये खर्चा है, ठीक है। तो देख लीजिए जिसमें आपको पड़ेगा, जिसमें आपको जाना रहेगा, उसमें जो है अपना काम हम करवा देंगे अच्छे से। और जो भाई अगर दुबई के अंदर में है, उसका वीज़ा एक तरह प्लस बचा हुआ है, तो उसको भी जॉब मिल जाएगा हेल्पर में या किसी कैटेगरी में, अगर वो जाना चाहते हैं या किसी कैटेगरी में गए हुए हैं, अगर उसको जॉब नहीं मिल रही है
जॉब की तलाश में है और जॉब नहीं मिल रही है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह मैं जॉब उसको जो है वहाँ पे दिलवा दूंगा। जो भी खर्चा होएगा 25,000 30,000 इंडियन मनी वो आपको देना है प्रोवाइड जी है, हमारे जो एजेंट है उसको देना है। जॉब 100% लग जाएगी और वीजा भी आपका लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि विजिट में कोई भी हेल्परी के काम में आप ना जाए 2 साल के लिए, अगर आप जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीजा में ही जाए। हमारा काम यह है, जरी का काम है, अभी जो है वहाँ पे बंदे लोग की मांग है, तो इसमें जो है वीजा 100% लग जाता है। लेकिन किसी कोई हेल्परी में अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा मैं 2 महीने का वीजा टिकट करके उधर चले जाऊंगा, जॉब मिल जाएगी, तो देखो किसी के पहचान के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप अगर ये सोच करके जा रहे हैं कि मुझे वहां पे जॉब मिल जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। और ऐसा विजिट टिकट विजिट निकाल करके और टिकट करके आप मत जाओ, उसमें जो है आपको लॉस होगा। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं, किसी ऑफिस वाले के थ्रू से जाते हैं, तो उसमें क्या एम्प्लॉयमेंट वीजा में जाइए, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। बाकी ये जरी वाले का मैंने बता दिया है, 6 महीने का भी जा सकते हैं, 6 महीने के लिए भी या 2 साल के लिए भी अगर जाना चाहेंगे, तो जरी का काम का जो है क्या अभी रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रही है, तो वीजा लगा करके वो देता है आप लोग को, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप जो है कॉल कर लीजिए, मिल लीजिए। मुंबई में अगर है 40-35 हज़ार वाले में जाना है तो 35,000 सर्विस चार्ज भी है और 70,000 सर्विस चार्ज है जरी लैंड में, ठीक है। तो जिसमें आपको पड़ेगा उसमें आप जाइए। मुंबई में है तो एक बार ऑफिस में आके मिल लीजिए, या फिर अगर आप ऑनलाइन भी काम करेंगे और दिल्ली से, लखनऊ से या बिहार से किधर से भी फ्लाइट अगर चाहिए रहेगा तो वहां से मैं करवा दूंगा, ठीक है। और इसमें जो है जितना जल्दी हो सकता है आप जो है कॉल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।